हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक जो है वो कन्वर्जन और सेल ऑफ पार्टनरशिप ऑफ फर्म इंडिया कंपनी वाले में से है। इस टॉपिक के ऑलरेडी कुछ वीडियोस हमने यूट्यूब पे अपलोड कर दिए हैं समझाते हुए। तो आज का ये सम भी हमारा कुछ ऐसा यूनिक वाला सम है जिसको समझाने के लिए हमने यहाँ पे पूरा का पूरा ट्राई किया हुआ है। तो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 आपके टेक्स्ट बुक का, जिसमें दिया हुआ है आरपीडी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1:1। द बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च इज एज फॉलो। ठीक है, आपको बैलेंस शीट दे दी है। सबसे पहले आपको बोला है गुडविल ऑफ द फर्म इज एसेटेड एट ट्वाइस एट द लास्ट ईयर ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। तो हम लोग को सबसे पहला काम दोस्तों क्या करना है, तो गुडविल निकालना है। गुडविल के लिए आपको नीचे 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो पहले तो इसका एवरेज निकालो। अब वो कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखिए वैल्यू कितनी है प्रॉफिट की, 1155001735260 and 1055500। ठीक है, ये 3 साल का प्रॉफिट आया है टोटल करके, डिवाइड बाय 3 करोगे तो वो आपका एवरेज प्रॉफिट आएगा 3 साल का। ठीक है, और गुडविल इससे क्या है, डबल है इसके लिए मल्टीप्लाई बाय 2। तो आपका गुडविल जो है वो कितना है, 2628 40। इसको मैं अलग से कैलकुलेशन लिख के नहीं बता रही, इसके लिए मैंने डायरेक्टली आपको कैलकुलेटर पे बता दिया। ठीक है, फिर उसके बाद बोला है कंपनी ने असेट्स सारे ले लिए एक्सेप्ट कैश एंड स्टॉक। बाकी सारे असेट्स को ले लो, वैल्यू चेंज करके भी दिए वो भी ले लो। लैंड एंड बिल्डिंग हम लोग को दिया है 4235500। फिर उसके बाद मशीनरी का वैल्यू हम लोग को चेंज करके दिया हुआ है, मशीनरी का वैल्यू है 327250। फिर उसके बाद है हमारा इन्वेस्टमेंट जिसका वैल्यू है 1617000। बैड डेट रिजर्व हम लोग को डेप्टर्स पे प्रोवाइड करना है, तो डेप्टर्स की अंडर वैल्यू वैल्यू जो है यानी 250250 उसमें से बैड डेट रिजर्व को माइनस कर दो, कितना था 25080। ठीक है, तो आपका डेप्टर्स आ जाएगा 225170। ओके, फिर बाकी के असेट्स उसके बुक वैल्यू पे लेने, तो हम ऊपर देख लेते असेट्स कौन से बचे। गुडविल निकल गया, लैंड एंड बिल्डिंग लिख लिया, मशीनरी लिख लिया, कैश बैलेंस को लेना नहीं है। क्या बचा दोस्तों, बिल्स रिसीवेबल, उसका वैल्यू क्या है, 173250। ठीक है, फिर इन्वेस्टमेंट हमने ले लिया है, स्टॉक नहीं लेना, डेप्टर्स भी हमने ले लिया, यानी सारे असेट्स हमारे आ गए। अब इसका टोटल कर देते 2628 40, 4235000, 3272501617000, 225170 एंड 173250। तो आपका असेट्स का टोटल जो है वो आया 1573710। ये टोटल ऑफ असेट है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए। ठीक है, हमने सबसे पहले असेट्स को फाइंड किया। अब दूसरा हम लोग को क्या करना है, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी के लिए हम लोग को बोला है कि सारी लायबिलिटी लेनी है एक्सेप्ट विजय का लोन, तो हम लोग उसके नीचे की सारी लायबिलिटी लेंगे। उसमें हम लोग का दिया हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट जिसका वैल्यू है 96250। फिर उसके बाद है हमारा क्रेडिटर जिसका वैल्यू है 169400 एंड बिल्स पेबल, तीन ही टाइप की लायबिलिटी है, 113520। ठीक है, प्लस कर देंगे 96250 169400 113520। ठीक है, तो लायबिलिटी का टोटल है 379170। ये आपका हो गया टोटल ऑफ बी यानी टोटल ऑफ लायबिलिटी। फिर हम नेट असेट फाइंड करने के लिए करते हैं ए माइनस बी, तो करेंगे 1573710 माइनस 379170, तो हम लोग का नेट असेट जो है वो है 1194540। ओके, तो ये हमारा हो गया आंसर हमारा नेट असेट का। फिर उसके बाद हम लोग दूसरे साइड दोस्तों क्या करते हैं, तो हमारा परचेस कंसिडरेशन फाइंड करते हैं। अब परचेस कंसिडरेशन के लिए उन्होंने इक्विटी शेयर बोला हुआ है 72,000, जिसका फेस वैल्यू जो था वो 10 था, लेकिन कितने में ले रहे, 12 में, तो मल्टीप्लाई बाय 12 यानी प्रीमियम के साथ 72,000 मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 86,400। देन बाकी का बैलेंस जो है वो कैश, तो कितना बचेगा, जितना नेट असेट है उतना ही पहले हम लोग का परचेस कंसिडरेशन हम लिखते थे 1194540। ठीक है, डिफरेंस जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, कैश।
तो हमारा डिफरेंस कितना है 33050। ओके, यहाँ तक हमने सिर्फ और सिर्फ इसका भी रफ वर्क किया है। अब हम लोग इसका स्टेटमेंट पूरा कंप्लीट करेंगे। हम लोग को यहाँ पे बनाने क्या क्या बोला है, एक तो हम लोग को जो भी हम लोग का कैलकुलेशन है वो दिखाने बोला है, और दूसरा पार्टनरशिप के बुक में ये सारे एंट्रीज करने। तो सबसे पहला हमारा पार्टनरशिप के बुक में आता है रियलाइजेशन अकाउंट, जिसमें डेबिट साइड में हम लोग का आता है टू सन्डरी एक्सेट, ठीक है, और क्रेडिट साइड में आता है बाय सन्डरी लायबिलिटी। अब दोस्तों असेट्स सारे लेने हैं, कौन से असेट्स को छोड़ने बोला है हम लोग को, स्टॉक और कैश। लेकिन रियलाइजेशन में जो भी वैल्यू आप डालोगे वो सब ओल्ड वैल्यू आपको डालनी है। तो सबसे पहले आपका था गुडविल 77,000, देन आया हम लोग का लैंड एंड बिल्डिंग 327,250, देन आपका आया मशीनरी जिसका वैल्यू था 346,500, फिर कैश बैलेंस नहीं लेना बराबर, फिर आया बिल्स रिसीवेबल 173,250, फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है 134,750, स्टॉक नहीं लेना। अब बचा हमारा डेटर, डेटर का वैल्यू है 231,000, ठीक है, टोटल कर देंगे इसका 77,327,250, 346,500, 173,250, 134,750 एंड 23,000। तो टोटल हमारा असेट का है 128,950। तो सर ये सारी असेट्स की वैल्यू जो है मैंने ओल्ड वैल्यू जो आपको बैलेंस शीट में दी है वही ली हुई है, ठीक है। अब लायबिलिटी, लायबिलिटी में हम लोग को क्या नहीं लेना था, विजय का लोन, यानी बाकी की चीजें हम डाल देंगे। तीन चीजें थी हमारे पास, बैंक ओवरड्राफ्ट 96,250 का, क्रेडिटर था हमारे पास जिसका वैल्यू था 169,400, और एक और क्या था, बिल्स पेबल जिसका वैल्यू हम लोग का था 113,520, ठीक है। अब इनका टोटल तो हम लोगों ने ऑलरेडी किया है तो वही लिख देंगे 379,170। ये दोनों मैंने सिर्फ असेट्स और लायबिलिटी ही डाला है, बाकी मैंने यहाँ पे कुछ नहीं डाला, ठीक है। तीसरा स्टेप हमारा दोस्तों क्या रहता है, तो हम परचेस कंसिडरेशन की वैल्यू डालते हैं हमारी न्यू कंपनी के नाम पे। अब न्यू कंपनी हमारी कौन सी है, तो नीचे दिया हुआ है जन्म लिमिटेड, तो हम यहाँ पे नीचे के साइड कर देंगे रियलाइजेशन में बाय जन्म लिमिटेड अकाउंट, ठीक है, और ब्रैकेट कर देंगे, लिखेंगे क्या, परचेस कंसिडरेशन कितना लेने का, 119,450, ओके, ये डाल दिया दोस्तों। अब देखो परचेस कंसिडरेशन की क्रॉस एंट्री जो है वो न्यू कंपनी में जाती है और फिर उसके पर्टिकुलर अकाउंट में। तो यहाँ पे मैंने न्यू कंपनी का अकाउंट नहीं बनाया है, डायरेक्टली हम लोग का जो पर्टिकुलर अकाउंट है जिसमें हम डायरेक्ट एंट्री करते हैं वो बनाया हुआ है, तो हम डायरेक्ट उसी में डालेंगे। जैसे कि आप अगर समझना चाहो तो ये देख सकते हो कि हमारा परचेस कंसिडरेशन कैसे बना, तो दो चीजों से बना, एक तो हमारा था इक्विटी शेयर और दूसरा हमारा था कैश। इक्विटी शेयर दोस्तों कहाँ पे आता है, तो पार्टनर्स कैपिटल में, और कैश कहाँ पे आते हैं, तो कैश अकाउंट में, तो वहीं पे हम डायरेक्टली ट्रांसफर कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे कर देंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और ब्रैकेट कर दो परचेस कंसिडरेशन की वैल्यू, ठीक है। रेशियो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 3:1:1, तो 86,4,000 × 3/5 आया, 86,4,000 × 1/5 करेंगे तो ये आएगा 172,800, 172,800। थोड़ी सी स्पेस कम है इसकी वजह से मैंने क्रॉस में नंबर लिखे हुए, आप कैलकुलेटर पे भी वो अमाउंट देख पा रहे हो, ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या था, कैश, तो कैश अकाउंट में कर दोगे टू, क्या कहाँ से आ रहा है हम लोग का, न्यू कंपनी के नाम से, तो यहाँ पे जन्म लिमिटेड कर दो, और ब्रैकेट में कर दोगे परचेस कंसिडरेशन, इसका वैल्यू कितना था दोस्तों, 33,050। अब आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ पे कैश क्यों नहीं लिखा, तो दोस्तों कैश अकाउंट में कैश अमाउंट नहीं लिख सकते, इसकी वजह से मैंने जन्म लिमिटेड डाला हुआ है, ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट लास्ट हम लोग को पॉइंट दिया होता
कि विजय लोन जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है स्टॉक और कैश का बैलेंस, ठीक है। तो यहाँ पे विजय लोन को हमको पे करना है। अब विजय लोन सबसे पहले दोस्तों हमारी क्या है, लायबिलिटी है, ठीक है। तो लायबिलिटी में सबसे पहले हम विजय लोन डाल देंगे क्योंकि वो अलग से दिया हुआ है, तो इसको हम अलग से डाल देंगे। 12% विजय लोन कितना अमाउंट था दोस्तों, 250, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया, पे कर दिया। अब यहाँ पे उन्होंने लायबिलिटी लिया, उन्होंने उसके अगेंस्ट में दो चीजें ली हुई है, एक तो है स्टॉक और दूसरा है हमारा कैश, ठीक है। तो सबसे पहले अगेंस्ट में ले रहे, इसकी वजह से लायबिलिटी क्रेडिट में जाती, जो पे करते थे उसको हम लोग लिखते कहाँ पे, डेबिट में। तो यहाँ पे भी हम लोग कर देंगे विजय लोन और अमाउंट वो की वही डाल देंगे 250, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई छोटा सा कैलकुलेशन बता रही हूँ कि अगर आपका स्टॉक का वैल्यू आपका कितना था दोस्तों, 211750, और कैश वो कितना दे रहा है, नीचे दिया हुआ है 15,400। इनको अगर हम टोटल कर दें 211750 और 15,400, तो हम लोग का आएगा 227150, ठीक है। लेकिन वो कितना अमाउंट दे रहे हैं, 250, यानी कम है उन लोग का एक्सपेंसर, लेकिन वो ज्यादा पे कर रहे हैं, तो माइनस कर देंगे 250, यानी 23,100 का हम लोग को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो वो प्रॉफिट हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पे डाल दो, विजय प्रॉफिट, ठीक है। कितना आया था, 23,100, ज्यादा अमाउंट है इसकी वजह से। और ऐसे ही अगर असेट्स में प्रॉफिट आता है तो हम डेबिट साइड में लिखते हैं, ओके। अब उसके बाद हम लोग को बाकी की कोई अमाउंट बची है तो वो डाल देनी, जैसे कि कैपिटल का बैलेंस बचा है तो हम यहाँ पे कैपिटल का बैलेंस डाल देंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन करके, जिसका वैल्यू था 288750, देन 231000 000, ओके। देन उसके बाद है 192500, ठीक है। फिर उसके बाद जनरल रिजर्व दिए हुए, जनरल रिजर्व को हम लोग बंटवारा करना पड़ेगा, वैल्यू थी 175230, तो x3/5 करेंगे, ये आएगा 105138, और वापस 1/5 करेंगे तो 175230 x1/5 कर दिया, तो ये आया 35046। दोस्तों बहुत सारे बच्चे इसके लिए भी कंफ्यूजन होते हैं क्योंकि नंबर्स राउंड ऑफ में नहीं आते, राउंड ऑफ में आते तो बहुत को एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हमारा आंसर करेक्ट जा रहा है, भले वो इनकरेक्ट हो। और अगर नंबर्स ऐसे में आए थोड़े बहुत तो डर जाते कि कहीं हमारा आंसर गलत नहीं आए। दोस्तों स्टेप कंटिन्यू करना, अगर स्टेप कंटिन्यू करोगे तो आपका आंसर वैसे ही आता जाएगा, आपके स्टेप्स के भी कुछ ना कुछ मार्किंग वहां पे निकल ही जाएंगे, ओके। अब कैपिटल डाल दिया है, जनरल रिजर्व डाल दिया, और बाकी सारी चीजें तो हमने ऑलरेडी दे दी है। हम लोग को करना क्या है, तो टोटल कर देना है। सबसे पहले रियलाइजेशन की क्रेडिट से टोटल कर देते हैं, 971970250250231001945040, ठीक है। टोटल ऑफ क्रेडिट जो है 1847060 माइनस 1289705050 माइनस 250250, तो आपका रियलाइजेशन का प्रॉफिट यहाँ पे लिख देंगे 2, रियलाइजेशन प्रॉफिट कितना आया, 307060, ठीक है। और टोटल जो आपका क्रेडिट का आया वही हम लोग डेबिट में भी लिख देंगे। अब ये रियलाइजेशन प्रॉफिट को हम लोग को ट्रांसफर करना है कैपिटल में और उसके रेशियो पे बांट देना है, रेशियो से हम लोग को रखना है क्योंकि नया रेशियो हम लोग को कुछ बताना है, तो ये आया 184236, देन 307060 × 1/5, ये आया 6141, ओके। देन उसके बाद हम लोग को क्या करना है, तो एक एक टोटल को डिफरेंस निकाल दीजिए। सबसे पहले आर का डिफरेंस निकाल दे, डिफरेंस हमारा कैश अकाउंट में ट्रांसफर होगा, तो क्रेडिट से करेंगे 288750105138423618436 माइनस 518400, हम लोग का डिफरेंस जो है वो आया 19724, ठीक है। पहला वाला हमारा कंप्लीट हुआ। 50 231300350466142
-172800 ये आया 154658। ओके ये डाल देंगे। फिर उसके बाद लास्ट हमारा किसका है, डी का 192500 +350466 एंड 61412 -172800। तो ये हमारा डिफरेंस जो है वो कितना हो जाएगा, पी का 11658। ओके तो यहाँ पे 11658 ये डाल देंगे। नंबर थोड़े थोड़े मैंने छोटे लिखे हुए क्योंकि स्पेस कम है, आपको कैलकुलेटर पे भी दिख रहे हैं, या तो अभी हम नीचे लिखेंगे तो वही अमाउंट हम लिख रहे हैं तो वो देख लीजिएगा। सबसे पहला हमारा है आर कैपिटल जिसका वैल्यू था 59724, देन पी कैपिटल 154658, देन हमारा डी कैपिटल, ठीक है 116158। अब टोटल कर देंगे 154658 59724। तो देखो दोस्तों हमारा दोनों टोटल जो है वो मैच कर गया, इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग को पूरा सम सॉल्व करना है और हमारे आंसर्स को लेते आना है। होपफुली आपको पूरा सम समझ आया होगा, समझ आया तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डीएम मित्रों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।